गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 12। आई नो आज मैं थोड़ा सा लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मॉर्निंग से आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया था। बट मुझे डेली ब्लॉग शूट करना है, तो थोड़ा सा आप लोग से मोटिवेट होकर आप लोग के कॉमेंट्स प्यारे प्यारे से पढ़ के मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। तो अब सिर्फ हमारे पास 45 डेज लेफ्ट है, करेक्ट 45 डेज। सो रिविजन करना स्टार्ट कर दो। अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी से घर, और घर जाते समय मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह ली थी क्योंकि कल कुछ मेडिसिन नहीं मिली थी, तो वो मैंने अभी ली है एंड लंच किया एंड अभी मैं मेडिसिन खाऊंगी। ये है इलेक्ट्रोल पाउडर बिकॉज मेरी बीपी अभी लो हो जाती है, लाइक बॉडी काम करना बंद हो जाती है, एकदम से सुन्न हो जाती है एंड ना हाथ वगैरह बहुत शिवर करने लगते हैं, इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि आपको इलेक्ट्रोल पीते रहना है टाइम टू टाइम। एंड ये है सबसे गंदी वाली सिरप। एंड अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज, सो चलो चलते हैं कॉलेज। एंड कल हमारी मुझे नोटिस आई थी कि आपके अटेंडेंस बहुत कम है एंड 1 अप्रैल से हमारे एग्ज़ाम है, मिड से में स्टार्ट है, तो उसके लिए हमें अपनी अटेंडेंस को बैलेंस करना है। तो अभी इसीलिए मैं कॉलेज जा रही हूँ एंड आज लैब वगैरह है, प्रैक्टिकल वगैरह सबमिट करने हैं एंड हमने क्लासेस अटेंड की और उसके बाद अभी मैं लैब में आई हूँ। तो सर बहुत सारे आज हमें इक्विपमेंट्स वगैरह दिखा रहे थे, मशीन्स वगैरह दिखा रहे थे, तो वही मैं देख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी 12th हो चुका है ना, आप सोच भी रहे हो कि पार्शल ड्रॉप ले लिया जाए, तो यार मेरे तरफ से तो बिल्कुल नो है बिकॉज आप अगर कोई भी स्ट्रीम में जाओगे ना, तो आपको प्रैक्टिकल्स लिखने पड़ेंगे, अटेंडेंस थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, एग्ज़ाम्स देने ही पड़ेंगे एंड मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स ऐसे टाइम पर होंगे ना जब आपका नीट का एग्ज़ाम होगा, जैसे हमारे अभी होने वाले हैं। सो मेरा बिग नो है, बिल्कुल भी मत लेना, प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। एंड अभी हमें सर मशीन वगैरह दिखा रहे थे, फाइनली हमारा लैब कंप्लीट हुआ आज, हमारा 3:30 पे ही लैब कंप्लीट हो गया था एंड कॉलेज से बाहर आते आते मुझे 3:40 हो गए थे। फिर मैं आ गई थी सीधे लाइब्रेरी, घर नहीं गई थी बिकॉज अगर मैं घर जाती तो एकदम से सो जाती, इसीलिए मैं घर नहीं गई थी। एंड अभी टाइम हो रहा है 4:15, मैंने थोड़ा सा लाइब्रेरी में आके रेस्ट कर ली थी एंड अभी मैं स्टार्ट करूँगी मॉडर्न फिजिक्स। आज मुझे मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करना है, मेरी कंप्लीट है एक बार बट मैं इसे रिवाइज कर रही हूँ, तो रिविजन के लिए मैं ये जेई वाला लेक्चर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज नीट के बहुत ही पुराने लेक्चर्स हैं, अलग सर वाले, एमआर सर वाले, तो अभी कुछ पोर्शंस उससे हट गए हैं। सो अभी इसीलिए मैं जेई का लेक्चर प्रेफर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग बताओ कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है एंड आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि अभी हमें फिजिक्स लेफ्ट है तो वन शॉट करनी चाहिए या फुल लेंथ लेक्चर से करनी चाहिए, तो यार मैं तो बोलती हूँ आप वन शॉट करो एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फॉर्मूला शीट रखो अपने पास, वन शॉट लेक्चर करो एंड उसके बाद आप ना बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड सबसे ज़्यादा फोकस अभी करो आप 2019 से 2023 के जितने भी PYQ हैं सारे अच्छे से सॉल्व करो एंड उसके कॉन्सेप्ट समझो। PYQ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज आपको सेम PYQ उठा के नहीं दे देगा NTA वाला, एटलीस्ट उसके पास भी दिमाग है, सो वो कुछ चीज़ें थोड़ा सा घुमाएगा एंड थोड़ा सा चीज़ों को डिफ़िकल्ट भी करेगा या फिर ईजी करेगा बट पैटर्न सेम रखेगा। सो आप लोग ना कॉन्सेप्ट को समझो तब PYQ सॉल्व करो। लेक्चर कंप्लीट हो गया है, तो मैंने 3 आवर्स का ही लेक्चर बस किया है बिकॉज लास्ट के 1 आवर में सर ने न्यूक्लियाई और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है न्यूक्लियाई की, तो न्यूक्लियाई मुझे अभी नहीं करना है, मुझे सिर्फ ड्यूअल नेचर और एटम करना था। ड्यूअल नेचर और एटम से ही आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं, मे बी इस बार चांसेस है कि 5 क्वेश्चंस आ जाएँ। सो आप ये चैप्टर तो बिल्कुल मत छोड़ना, थर्मल फिजिक्स बिल्कुल मत छोड़ना और सेमी कंडक्टर बिल्कुल ही मत छोड़ना, ये कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको करना है, आपको 15 क्वेश्चंस इससे ही मिलेंगे। थर्मल फिजिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आई थी, शॉप है हमारे, तो मैं केक लेने आई थी एंड मेरी सिस्टर भी लाइब्रेरी आती है तो उसको चाहिए था ये सलोनी, तो मैं उसके लिए सलोनी लाई हूँ एंड अभी हम चलते हैं वापस से लाइब्रेरी। एंड ये 2nd फ्लोर में हमारा रूम है, मैं सच में थक जाती हूँ, मतलब मैं एक बार अगर जाती हूँ ऊपर मुझे 5 मिनट ऐसे रेस्ट करना पड़ता है, मेरी इतनी ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम मुझे होने लगती है।
एंड अभी मैं स्टार्ट करूँगी शॉर्ट नोट्स बनाना. लाइक मैंने अभी 4 to 5 pages के नोट्स बनाए हैं. अब मैं उसको 1 page में कन्वर्ट करूँगी, बिकॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिवीजन टाइम पे 1 page के नोट्स होने चाहिए सारे चैप्टर्स के. आप बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो. बायो की तो फिर भी आप एक बार इग्नोर कर सकते हो, बट केमिस्ट्री फिजिक्स ही होने चाहिए. मेरे पास तो फॉर्मूला शीट भी है, बट मुझे कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने थे, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया है. सो आप लोग मेरे से बिल्कुल भी मत मांगना, क्योंकि मैं टेलीग्राम में नहीं सेंड करने वाली, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं. आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग अपने से खुद बनाओ. एक बार लेक्चर अटेंड करो, नोट्स बनाओ, एंड कुछ कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको लग रहे हैं हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग उन चीज़ों को जल्दी जल्दी से वाइट पेपर में लिख लेना एंड उसको बार बार रिवाइज करते रहना. डन. ये एटम के हैं एंड ये ड्यूअल नेचर के हैं. मैंने बहुत ही क्रिस्प बनाया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो फिर से वो बर्डन जैसे लगेगा, इसलिए जितना छोटा रहे और जितना साफ़ सुथरा लिखा रहे ना, उतना थोड़ा सा मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगता है. अभी मैं केक भी खाऊंगी, मैं यही बनाते रह गई, केक खाना ही भूल गई. सो अभी जल्दी से मैं केक को फिनिश करूंगी. एंड फ्रेंड्स, ड्यूअल नेचर से एंड एटम एंड न्यूक्लियस से आपको 8 questions मिल जाएंगे, सॉरी 8 marks मिल जाएंगे, मतलब 4 questions मिल जाएंगे. सेमी कंडक्टर से आपको 12 marks मिलेंगे, मतलब आप 3 to 4 questions अप्रॉक्स मान के ही चलो, इतने क्वेश्चन आते ही हैं सेमी कंडक्टर से. एंड ये 50 topics फिजिक्स एंड 50 chemistry बायोलॉजी सब के टॉपिक्स है, जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में सेंड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लेना. एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, बिकॉज सुबह से एकदम थक गई हूँ, क्योंकि सुबह से कॉलेज, घर, उसके बाद सुबह मैं जल्दी उठ भी जाती हूँ, यू गाइज नो, तो बहुत ही हैक्टिक हो चुका था. इसलिए मैंने बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले किया, कान में एयरपॉड्स लगाए, एंड उसके बाद अभी मैं सॉल्व करूँगी क्वेश्चंस. तो अभी मैं PYQ सॉल्व कर रही हूँ, अभी जस्ट मैंने चैप्टर कंप्लीट किया है, तो अभी PYQ सॉल्व करूँगी ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से मुझे बनेंगे भी और समझ में भी आएंगे. सो चैप्टर को ख़त्म करते ही आप ट्राई करो कि उसके PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को हिट कर दो, एंड प्यारे प्यारे से कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स, सो प्लीज़ कमेंट करते रहो, ताकि मैं और मोटिवेट होती रहूँ और आप लोग के लिए ब्लॉग शूट करती रहूँ. फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो अभी मैं जाऊंगी घर. सो मिलते हैं आप सबसे घर में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है. मैं सुबह मतलब 12-1 बजे से घर से निकली हूँ, लाइक दोबारा मैं घर भी नहीं गई थी कॉलेज से आने के बाद, तो मैं भी एकदम से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ. सो अभी मैं घर जाऊँगी, रेस्ट करूँगी, डिनर करूँगी एंड मेडिसिन वगैरह खाऊँगी, एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा बायो पढ़ूँगी. संकल बैच में जो सर ने स्टार्ट किया है वो वाला लेक्चर मुझे देखना है. मैं लाइब्रेरी में उसे डाउनलोड कर ली थी, बिकॉज अभी मेरे घर का वाईफाई मैंने हटवा दिया है, कोई काम ही नहीं लगता था. एंड घर आके मैं खा रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि मुझे है टाइफाइड, तो और क्या ही खा सकती हूँ. सो खिचड़ी खा के एंड फेवरेट तारक मेहता देखते देखते मैं थोड़ा दीदी से मिलने चली गई थी. दीदी अभी अपना वीडियो अपलोड कर रही हैं और हम लोग कर रहे हैं वॉकिंग. अभी मैंने जस्ट डिनर किया है और अभी थोड़ा सा वॉक करके हम जाएंगे घर. A few moments later. फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 11:17 और अभी जस्ट मैंने 1 hour का लेक्चर फिनिश किया है. मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जस्ट रिवाइज कर रही हूँ MD सर से, अभी इनका जो नया क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है संकल्प बैच में, उसी से. एंड ये रहे मेरे NCERT, ये रही मेरी NCERT. सो अभी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, बिकॉज़ मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी. तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, अभी इतना ही रिवाइज करूँगी. इसके PYQ मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, जस्ट मुझे एक बार रिवीजन करना था. सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना.